हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन दे रखा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रैंगल एबीसी हमें एक ट्रैंगल बनाना है एबीसी इन विच एंगल बी जो साइड बीसी दे रखी है वो सेवन सेंटीमीटर दे रखी है एंगल बी सेवेंटी डिग्री दे रखा है एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर दे रखा है ए बी प्लस ए सी थर्टीन सेंटीमीटर दे रखा है तो अब इसमें कंस्ट्रक्ट्रैंगल को कंस्ट्रक्ट करना है हमें सिर्फ एक साइड दे रखी है एक एंगल दे रखा है बाकी दो साइड है उनका सम दे रखा है अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं देखते हैं सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है आप मेरे साथ साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एक बी सी लाइन ड्रॉ करना सेवन सेंटीमीटर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना बी सी सेवन सेंटीमीटर उसके बाद बी पे कितना एंगल 75 फाइव तो 75 फाइव का एंगल बनाओगे बी पे तो पहले तो 90 का बनाओगे इन दोनों के बीच में हो गया नाइन्टी नाइन्टी और सिक्सटी के बीच में जो एंगल होगा एक बार यहाँ पे कंपास रखोगे एक यहाँ पे, पे रखोगे एंगल पे पिछली वीडियो में भी आपने सीखा होगा ठीक है बेटा तो ये थोड़ी सी आगे बढ़ा दूंगा मैं अब इसके बाद ए बी प्लस ए सी हमें कितना दे रखा है थर्टीन सेंटीमीटर ए बी प्लस ए सी हमें दे रखा है थर्टीन सेंटीमीटर तो आपने बी पे कंपास रख के थर्टीन सेंटीमीटर की आर्क लगानी है तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए थर्टीन सेंटीमीटर ये डिस्टेंस होनी चाहिए थर्टीन बी से एक्स मैंने एक्स पॉइंट लिया ये थर्टीन सेंटीमीटर करना है और इसको ज्वाइन कर दिया सी से ठीक है सबसे पहले एक लाइन की बी पे कितना एंगल 75 डिग्री का एंगल पहले तो 60, 120, 60 और 120 के बीच में 90 एंगल 90 और 60 के बीच का जो एंगल होगा वो 75 होगा और ये थोड़ा सा बड़ी एक्सटेंड कर दे और यहाँ पे बी पे कंपास रखा थर्टीन सेंटीमीटर का खोल के आर्क लगा दी बाई चांस आपका कंपास थर्टीन सेंटीमीटर नहीं खुलता है तो आपने स्केल से मेजर करके 30 वहाँ कट करना है पर ये होना चाहिए बी से एक्स तक थर्टीन सेंटीमीटर अब इसके बाद आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है एक्स सी का जिसको भी ज्वाइन करोगे उसका परपेंडिकुलर बाई करना है किसका एक्स का तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेकटर का मतलब है एक्स पे कंपास रखोगे आधे से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क इधर एक इधर ये आर्क कहीं भी लग सकती है इस इस एंगल के इधर भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी हो सकती है पर आधे से ज़्यादा खोलना उतना ही कंपास खुला होना चाहिए एक और आर्क जो पहली वाली आर्क को कट करे अब इन दोनों आर्क को ज्वाइन करते हुए ही एक लाइन लो। ध्यान रखना किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है एक्स सी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ एक्स सी एक्स सी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रखना है तो इसका मतलब दोनों के दोनों बार हमें कंपास रखना है एक्स और सी पे बी पे मत रख देना गलत हो जाएगा एक्स पे रखा आधे से ज्यादा कंपास खोल के आर्क इधर भी लेफ्ट भी राइट भी उस लाइन के फिर ऐसे ही सी पे एक ऐसे आर्क जो पहली वाली आर्क को कट करे इन दोनों को आर्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो देखो ट्रायंगल का बी और सी तो आ चुका है जहाँ भी ये आर्क इसको कट करेगी जो ये लाइन इसको कट करेगी बी एक्स को वो पॉइंट होगा ए इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे सी से इसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे हम सी से तो जो हमें ट्रायंगल चाहिए था तो वो ये ट्रायंगल आ गया ठीक है इसमें इसके बाद ए बी प्लस ए सी इन दोनों का मेजर मेजरमेंट करना विद द हेल्प ऑफ स्केल कंपास इसको मेजर कर लेना इसको मेजर दोनों का सम थर्टीन आना चाहिए दोनों का सम थर्टीन आना चाहिए कई बार थर्टीन पॉइंट वन आ जाता है ट्वेल्व पॉइंट नाइन आ जाता है तो भी ठीक है गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए पता चले आना चाहिए थर्टीन आपका आ रहा है फोर्टीन या ट्वेल्व तो बेटा गलत है अगर थर्टीन पॉइंट वन या ट्वेल्व पॉइंट नाइन आ रहा है तो ठीक ठीक है वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है उसमें तो सब अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किया है? एक लाइन ड्रो सेवन सेंटीमीटर बी पे सेवेंटी फाइव का डिग्री का एंगल यहाँ पे थर्टीन सेंटीमीटर का कट कर लिया यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया बी सी एक्स का हमें परपेंडिकुलर बाई करना है जहाँ भी बी एक्स को कट करेगी वो ए पॉइंट आ गया ए को सी से ज्वाइन कर दिया ये मैंने ट्राइंगल बना दिया यही हमें ट्राइंगल उसने पूछ रखा था कि ड्रॉ ए ट्रैंगल ओके बेटा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे